नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य, आज हम लोग एक भरत जी का गीत सीखेंगे, असुना तो पर हो जाए गौनवा। बहुत ही बेहतरीन लोकगीत है, तो आइए इसको सीखते हैं। और सीखने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें स्वर कौन कौन से लगेंगे, कहाँ से कहाँ तक बजेगा, फिर इसको चालू करते हैं। तो ये अपना सा रहेगा, सी सार, सा रे ग म प ध नि सा। तो इस सा से लेके इस सा तक ये गाना बजेगा, और ऊपर के स्वर में देखेंगे तो एक रे लगेगा, सा रे, और कोमल नी लगेगा, नी ध प म ग, दोनों ग लगेगा, कोमल ग शुद्ध ग। और इधर देखें तो रे सा नी, नीचे के स्वर में एक स्वर लगेगा कोमल नी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो गाना बज जाएगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं सीखना है, तीन लाइन सीखना है, ये सीख लेते हैं तो ये गाना कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग नोटेशन के साथ में। आपके स्क्रीन पर इसका नोटेशन लिखा हुआ मिलेगा, उसको देख करके समझ सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। तो मैं टुकड़ा टुकड़ा करके बताता हूँ एकदम स्लो में, जैसे कि आपके समझ में आए। तो गाना चालू होगा यहाँ से, सा से, कैसा है, असुना तप इस प्रकार है। अब इसका सरगम हम लोग आइए देखते हैं, सरगम क्या है। सा रे म म प म प ध प ध प म ग म ग रे ग रे सा। ये इतना सरगम कहाँ तक बना, असुना तप ये इतना सरगम बना। और का कहीं ए सखी माने न मनवा, इसका क्या बनेगा, का कहीं ए सखी माने न मनवा। अभी देखिए ये क्या बनेगा, सा रे म ग सा रे म ग रे सा रे सा नी नी रे रे सा सा सा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार जब बजेगा का कहीं ए सखी माने न मनवा, तो ये सरगम बजेगा जो भी हमने बताया, और दूसरी बार यही चीज बचेगा तो सरगम में क्या परिवर्तन होगा ये देख लीजिए। का कहीं ए सखी माने न मनवा। अब इसका भी देख लीजिए, सा रे म ग रे सा रे सा नी नी सा रे ग रे, ऐसा कर देना है। लास्ट वाला सरगम एक बार और देख लीजिए, सा रे म ग रे सा रे सा नी नी सा रे ग रे सा सा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मुखड़ा। अब हम लोग चलते हैं अंतरा पर। तो अंतरा कहाँ से चालू होगा, ऊपर के सा से चालू होगा, यहाँ से आ,
अब इतना सरगम में हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सरगम कहाँ से है? सारे सारे, थोड़ा सांप रुक जाना है, माई ऐसे करना है, सारे सा, देखिए कोमल नहीं लग रहा है, सारे सानी किसे बज रहा है देखिए, माई कहे न बने बाबूजी धपमा बाबूजी चुपाई, तो म पर रुक जाना है, म कर देना है, ठीक। अब दूसरा लाइन है, भैया भैया के गरज नहीं खे, तो क्या बनेगा, मा 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 प प ध प म ग, भैया के गरज नहीं खे, ग सरगम में क्या रहेगा, मामा पापा धापा मागा गामा पापा पधापा। अब एक बार जब हम बोलेंगे भैया के गरज नहीं खे आयल की गइल, तो सरगम ए रहेगा, और दूसरे बार फिर बोलेंगे भैया के गरज नहीं खे आइल की गई, तो उसमें क्या सरगम में चेंज होता है, अब ये देखना है। अब पहले बार भैया का गरज हम लोग कहाँ से गाए थे, म से, अब उठेगा प से, भैया के गरज, यही प प बज जाएगा, प प प प नहीं खे गइल की आइल। अब देखिए, अब कहाँ से, ग गइल की आइल, दूसरा वाला है, तो एक ग से सीधे प जाना है, ग प म मगरे सा, ठीक। अब असुना तो पर हो जाएगा, गौनवा जो हम लोग बजाए वही सरगम बजेगा, बल मा बेदर दीना भेजे लदीना, क्या होगा सरगम, सारे मा पामा पधा पधा पामा दूसरे बेर में, का कहिए सखी माने न मनवा, तो का कहिए सखी माने न मनवा, हमने तो आपको पहले सरगम बता दिया हूँ, तो वही बजेगा दोनों लाइन उसी तरह, इसका सरगम अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो ये गाना कंप्लीट हो गया, आइए इसको एक बार हम बजा देते हैं, फिर आप उसको देख करके बजाएंगे। सुना तपारो जाई गवनमा, कहिए सखी माने न मनमा, कहिए सखी माने न मनमा।
तरह ये गाना बजेगा और इसी सरगम पर इसका सारा अंतरा बजेगा, तो इसमें केवल शब्द बदलेंगे, सरगम वही रहेंगे। नोटेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसको देख के आप लोग तैयार कीजिए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।